आसिम जी मैडम। बेटा ये जो बच्ची वो सारा के साथ उपटन खेल रही है ये कौन है? आंटी ये आफिया की नंद है दिलनशीन। अच्छा देखो इत्तेफाक कभी नजर से नहीं गुजरी। तो अब देख ले। अरे मैं क्या देख लूं, देखने वाला देखे ना। नहीं एक मिनट। जियूं मैं जरा मुझे दे तू दिल में जगा, मिले मुझको धूप में साया तेरा, तेरे बिन नहीं सुकून जिंदगी में कहीं भी गुजरा है दिल बंजर मेरा। चलो ये तो अच्छा शगुन हो गया, हैदर को उपटन लग गई। एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आनी है, मीटिंग है मेरी ऑफिस वालों से। सवाल ही पैदा नहीं होता खाना खाए बगैर। नहीं भाई जाने दें यार प्लीज, मैं बात नहीं कर पाऊंगा यहाँ बहुत शोर है। अच्छा सुनो तुम ऐसा करो ऊपर वाले कमरे पे चले जाओ, वहाँ आराम से बैठ के बात कर ले। जाओ वहाँ ऊपर। शाज़ीन होल्ड डाउन होल्ड डाउन। मैं तब से एक चीज तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूं, घर में शायद अब आवाज आ रही है ना मेरी? यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बहन के घर आया हुआ हूं, कोई शादी वादी चल रही है उसके घर, तो इस वजह से मुझे आवाज नहीं आ रही थी। हाँ पूरे घर में जगह ढूंढता फिर रहा था कि कहीं तुमसे बात कर सकूं। अब सुकून से तुम मेरी बात सुनो, यूरोपियन कंपनी है, इतनी आसानी से इनको बात समझ में नहीं आती है। आई नो कि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है हमारी कंपनी में, पर पाकिस्तान में हमसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। हाँ सो प्रॉपर 3D प्रेजेंटेशन बना के उनको दिखानी होगी, मॉडल्स दिखाने होंगे। बिल्कुल हाँ वो अपना हाँ जी ठीक है, तुम कल सुबह सबको लाइनअप तो करो ना। नहीं तुम साकिब और मुनीर को बोलो कि सुबह पूरी प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से बना के रखे, एक भी लूप होल नहीं चाहता। Excuse me? जी दरवाजा नहीं खुल रहा। अच्छा सो सुने जी दरवाजा नहीं खुल रहा, आप आपने लॉक तो नहीं किया ना? Can I call you back? मैं क्यों लॉक करूंगा दरवाजा? मैं अंदर चेंज करने गई थी और आप यहाँ खड़े हुए थे, तो अगर आपने दरवाजा लॉक नहीं किया तो दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? May I? Thank you. I think, लॉक अंदर से खराब हो गया। क्या मतलब लॉक अंदर से खराब हो गया? क्या ये अब नहीं खुलेगा? नहीं ये यहाँ से तो नहीं खुलेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप और मैं इस कमरे में अकेले बंद हो गए? जी नहीं,
कैसे हो सकता है, प्लीज आप कोशिश करें, नीचे बहुत सारे लोग हैं, तमाशा बन जाएगा, प्लीज 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 प्लीज। नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रहें आप। देखिए ये कोई 1940 नहीं है कि लोग इतनी सी बात को इशू बना दें, ओके? आपके लिए नहीं होगा, मेरी अम्मी के लिए तो अभी भी 1940 ही है। आप प्लीज एक बार ट्राई करें ना, प्लीज प्लीज ट्राई तो करें, हो सकता है खुल जाए। ये देखिए जाम है बिल्कुल। एक मिनट, लेट मी कॉल सारा। सारा भाभी को क्यों? क्योंकि ये दरवाजा बाहर से खुलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन उन्हें कहिएगा प्लीज अकेले आए, किसी को बताएं मत। ओके म्यूजिक भी तो इतना ऊंचा चल रहा है, खाक आवाज आएगी इसमें। नहीं उठा रही है फोन, मैं आसिम भाई को ट्राई करता हूँ। आसिम भाई प्लीज पिक अप द कॉल। आसिम भाई भी नहीं उठा रहे। खोलो, कोई दरवाजा खोलो प्लीज, अभी अंदर फंस हो गए, कोई दरवाजा खोलो। ये क्या कर रही हैं आप, मेरी कोई रेपुटेशन है? इस तरह से आप शोर मचाएंगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? जब थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो आपको 1940s याद आ गया, और जब आप खुद की बारी आ गई तो 1940s भूल गए आप। हाँ लेकिन मैं इस तरह से शोर नहीं मचा रहा था। देखिए एक लास्ट होप है, लेट मी कॉल माय मदर, ओके? अल्लाह करे वो उठा लें, वैसे तो हार्डली फोन उठाती हैं वो। दुआ कीजिए। हेलो, यस माँ, माँ आपको, माँ आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो माँ। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सारा के बेडरूम में हम लोग लॉक हो गए, प्लीज सारा को ऊपर भेजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भेज रही हूँ, भेज रही हूँ। सारा सारा जल्दी से आओ। ये ऊपर कमरे में लॉक हो गए हैदर। कौन? हैदर गया था अंदर और कमरा उसका लॉक खराब हो गया है तुम्हारा, जल्दी से जाओ। डोंट वरी, वो सारा भेज रही है किसी को। आप ये थोड़ा पानी पिए और आराम से बैठ जाएं। देखिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा मुझसे दरवाजा बंद हुआ था। कि खामखा तमाशा तो बन जाएगा ना। अब शोर पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाएंगे, ओके? एक मिनट मुझे देखने दीजिए। भाई तुम्हारा ये लॉक का क्या मसला है? भाई ये आज सुबह से ही प्रॉब्लम कर रहा था। सारा भाभी दरवाजा खोले, मैं अंदर हूँ, अंदर मैं बंद हो गई हूँ, दरवाजा बंद हो गया और मैं अंदर में दम घुट रही हूँ, दरवाजा खोले। दिलनशीन तुम अंदर क्या कर रही हो? इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय जाके आसिम भाई को बुला के लाओ, वो खोल लेंगे किसी तरह से दरवाजा। जी भाई मैं जाती हूँ। आप कहाँ जा रहे? कहाँ जाऊंगा, बंद है कमरा। तो दरवाजा बाहर से खुलेगा, मैं खुद खोलूंगी। आसिम जल्दी चले, रूम लॉक हो गया है, वहाँ हैदर भाई और दिलनशी लॉक हो गए, जल्दी चले। अरे वो चले ना, वो लॉक हो गए। अरे भाई शादी का घर है, वो
किसी काम से गई होगी, हवा से वो बंद हो गया। वो मैं हैदर को बताना ही भूल गया कि वो कमरे का लॉक खराब है। आओ, चल, आए, 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 ये क्या हुआ? तेरे बिन I'm so sorry, मुझे ये ठीक करवा लेना चाहिए था। शुक्र अल्लाह। मम्मी, मैं अंदर वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रही थी, इनको पता नहीं था कि मैं अंदर हूँ, तो इन्होंने दरवाजा। अरे इतनी भोली है आपकी बेटी, घबरा गई। इधर आओ बेटा, बैठो यहाँ, रिलैक्स। अरे तुम तो बाहर आओ ना, अंदर क्यों खड़े? यहाँ बैठो, पानी लाओ जल्दी से। बैठो बेटा, तुम खामखा इतनी जल्दी घबरा गई। इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए। पकड़ के खुद को कमरे में बंद कर लिया। बता, औरतें आंखों आंखों में क्या बातें कर रही थी? हम ये औरतों की आंखों की कहानी तो आप ही ने पढ़ी होगी। मैं तो खुद इतना परेशान हो गई थी कि क्या बताऊं। हाँ तो मुहतात रहना था ना। मैं समझ रही होंगी कि तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है उसके साथ। लो तो ये तो और भी शर्म की बात है, चक्कर चलाने के लिए वो ही अंकल मिले हैं। बदतमीज अंकल का, अच्छा भला लड़का है। तो इसका ये मतलब है कि मेरी प्यारी अम्मी जान को ये अफसोस हो रहा है कि उस लड़के के साथ मेरा कोई चक्कर क्यों नहीं चल रहा। एक लगाऊंगी, जो मुंह में आता है बोलना शुरू कर देती। बक 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 बक।
अमूमन शादी ब्याह की तकरीबात से आके आप एक सवाल करती थी। वो कल रात पूछा नहीं आपने? एक मुद्दत से ख्वाब देख रही कि मेरा इकलौता बेटा किसी दिन मुझसे आकर कहे कि माँ मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने एक लड़की पसंद की है और मैं उसी से शादी करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उसके घर चलें रिश्ता लेके। आज आपका ख्वाब पूरा हो रहा है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उसी से शादी करूंगा। चाहता हूं कि आप मेरा रिश्ता लेके उसके घर जाए। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? शादी पे ना हमारे कपड़ों के कलर कॉम्बिनेशंस बिल्कुल सेम होंगे। ये देखो, लाइक इट? हाँ, कैसा लगा? तुम कुछ ना भी कहो ना, तुम्हारा फेस सब कह देता है। You're very innocent and I love you. अच्छा तो बताओ हनीमून पे कहाँ जाएंगे हम? आइडियाज दो। इतना आगे का प्लान करने की क्या जरूरत? अरे यार, मैंने तो पता नहीं कितना आगे का प्लान किया होगा। क्या क्या कुछ सोचा हुआ है? हमजा, प्लीज स्टॉप इट। हमजा, व्हाट इफ हमारी शादी नहीं होती? जान दे दूंगा। हावेर, हाँ इजाजत दीजिए, देर हो रही है, मुझे फ्लाइट मिस हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस किस्म के लड़के हो। अभी लड़की पसंद की और अभी इस्लामाबाद जा रहे हो। जानते हो, बहुत ही हसीन, बहुत प्यारी लग रही थी। तुम देखते तो बस देखते रह जाते। क्या बात है, इतने चुप क्यों हो? कहीं इरादा तो नहीं बदल रहे अपना? नहीं भाई नहीं, मैं तो उनके यहां जरूर जाऊंगी। मैंने तो टाइम भी ले लिया, मैं पीछे नहीं हट सकती। इरादा नहीं बदला है मां, एक दफा सोच तो आती है ना इस बारे में। छोटी है उम्र में मुझसे। अब इतनी भी छोटी नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें दिल से पसंद आई ना? अच्छी है, प्यारी है, सादगी है उसके अंदर।
और सबसे बढ़कर मासूम है। जानते हो, जब मैं तुम्हें देखा करती थी ना, तो एक गर्व से गुजरती थी और सोचती थी, या अल्लाह, मेरा इतना अच्छा बेटा, इतना कामयाब बेटा, क्या दिल में ये हसरत लिए लिए जीता रहेगा? बिना मोहब्बत के, बिना प्यार के, दिल के वीराने को बसाए ऐसी जिंदगी गुजारेगा? और पता है, मैं दिल से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे वो तुम्हें मिले और तुम्हारी पसंदीदगी उसके लिए शदीद प्यार में बदल जाए और तुम जोरू के गुलाम बने बने उसके आगे पीछे फिरते रहो। सोच लीजिए, सह पाएंगी ये सब कुछ बाद में आप? अरे क्यों नहीं, मुझे तो हसरत थी तुम्हारी शादी की। मैं सोचा करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के मुंह खोल खोल के अपनी बहू की बुराइयां करूंगी और वो तुम्हें मुझसे छीन लेने की ख्वाहिश में बहुत ज्यादा चाहे और तुम चाहे उसके प्यार में उसे पा के मुझे भुला भी दो, मगर बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, हंसो मुस्कुराओ और महमिल के गम को दिल से भुला के हमेशा हमेशा खुश रहो। मैं जानता था माँ कि आपके दिल में बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा घर बस जाए, मैं शादी कर लूं, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे कितनी हसरत है आपके दिल में इन सब चीजों की। एक बेटा होने के नाते जो मेरे फराइज हैं, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि उनको पूरा करूं, आपको दुनिया की सारी खुशियां ला के दूं, पर आज आपको देखकर लगता है कि असल खुशी तो आपको अब मिली है। मुझे ही नहीं, तुम्हें भी मिली है। तुम्हें दिलनशीन दिल से अच्छी लगी है, वरना इतनी जल्दी मानने वाले नहीं थे तुम किसी लड़की के लिए। नहीं तो कंफ्यूजन है, ये बात करनी चाहिए थी या नहीं? क्या कहा? अगर इसी तरह बैठे हम बातें करते रहें तो इस्लामाबाद की मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। अच्छा भाई, जाओ जाओ। चले, मैं निकलता हूँ, आप बैठे। खुदा हाफिज़। क्या उन्होंने बताया नहीं कि वो क्यों आ रही है इस तरह अचानक? पता नहीं अम्मी, बुशरा आंटी ने शादी में कहा तो था कि आएंगी, अंदाज़ा नहीं था कि वलीमे के फ़ौरन बाद अचानक ही आ जाएंगी। अम्मी ये दिलनशी कब तक आएगी? वो आज देर से ही आएगी, उसकी वो दोस्त है ना रिदा, उसकी बात पक्की हो रही है कहीं, तो वहाँ चली गई है। अच्छा अच्छा, आ गई शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक ठाक। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, इस रिश्ते के सिलसिले में आप अच्छी तरह से छानबीन करा लें हमारे बारे में। और वैसे आपका बेटा तो अच्छी तरह से हैदर को जानता है, क्यों बेटा? जी आंटी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ऐसे मामलात में थोड़ा बहुत वक्त तो देते हैं। देखिए, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास, अगली दफा हैदर को भी ले आऊंगी, आप उससे बातचीत करके इत्मीनान कर लीजिएगा और फिर आराम से सोच के जवाब दे दीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं हूँ। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप, ये आपका अपना घर है, आप 100 बार आए, हैदर मियाँ भी 100 बार आए, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा। जरूर सोच लें, लेकिन मायूस ना कीजिएगा। देखें, मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं, लेकिन बड़ा सुलझा हुआ बच्चा है। अपने बाप की अचानक मौत के बाद बहन की शादी इतनी जिम्मेदारी से, इतनी शान से की, मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। अब जो बहन और माँ का इतना करने वाला हो, वो यकीनन बीवी का भी बहुत ख्याल रखेगा।
इंशाल्लाह आपकी बेटी को बहुत खुश रखे। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पर मुझे बच्चे की मर्जी मालूम करनी होगी। बस इंशाल्लाह हाँ में ही जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। ये ऐसे ठीक है? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मेहमान आ गए। मेहमान आ गए? भाई मैं अपने मेहमान की बात कर रहा हूँ। For your kind information, आपके मेहमान भी मेरे ही मेहमान हैं। बहुत गलत फहमी है आपको, my dear sister. कुछ फहमी मुझे नहीं, कुछ फहमी आपको है। ये मेरी दोस्त है और मेरे कहने पे ही आई। तो खुद पूछ लो। दिलनशीन, बताओ जरा इन्हें कि तुम किसके बुलाने पे आई हो? और बिल्कुल सच बोलना, डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। बिल्कुल सच बोलना। मैं तो आंटी की इनवाइट करने पर आई हूँ। गॉड कितनी बोरिंग है। रिदा आर यू रेडी? यस मॉम आई एम रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी बेटी बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया। चुप शट अप। I can't imagine मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज उसकी बात पक्की होने जा रही है और थोड़े दिनों बाद शादी हो जाएगी। My God, time flies. और please जल्दी चली जाओ, please. तुम जाओ। मम्मी हमेशा तंग करता रहता है। दिलनशीन तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। Thank you आंटी। ये कितना शर्मा जाती है, मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ तो ब्लश कर रही है। अच्छा अभी जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। ओके ओके जल्दी से फटाफट। बिल्कुल मैं तो रेडी हूँ। तो जाओ, तुम जाओ। अच्छा मुझे लगता है कि सब सही है, लेकिन कुछ और चाहिए? मुझे चाहिए। अच्छा अच्छा सॉरी, तो कैरी ऑन, लेकिन जल्दी करो। ओके मेहमानों को देख। बाय। हरी आप। बाकी कितना काम रह गया आपको? नो सर, बस कटलरी लगानी। आप जाइए, हम कर लेंगे। प्लीज थैंक यू। अच्छा तो मामा पे इम्प्रेशन डाला जा रहा है, अच्छी बहू बनने का। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मामा से अभी बात करूं हमारे बारे में तो क्या वो मान जाएंगी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो आप जज करेंगे ना। What if वो ना मानी? ठीक है तो मेरी शादी भी कहीं और हो जाएगी। Fair enough. तो मैं भी फिर एक काम करूंगा कि मामा की मर्जी की उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। आई होप यू डोंट माइंड राइट? हेलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? पूछा तुमसे किसी और से शादी हो जाए, यू डोंट माइंड राइट? परमिशन ले रहा हूँ यार। यही तो करना है आपने। मैं ही पागल हूँ जो पता नहीं क्या क्या तो सोच रही होती हूँ। मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया तुम्हें? मजाक नहीं कर रहे थे आप ऐसा सोचते हैं तभी आप बार बार मजाक में इस तरीके की बात करते हैं। मैं तो कभी ऐसे नहीं कहती क्योंकि मैं ऐसा सोचती भी नहीं। अगर कभी मजाक में कह भी दूं तो
तो डर जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, मगर आप हर वक्त कहते रहते। दिलनशीन, हम दोनों इसी घर में हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। एंड आई एम सॉरी, मैं आज के बाद हमारे दरमियान किसी दूसरे तीसरे को नहीं लाऊंगा, मजाक में भी नहीं। ओके, एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूँ। सर अपना हाथ दिखाओ, ये देखो तुम्हारा हाथ। अरे यार माशाल्लाह, यू सो लकी, हमजा लिखा हुआ है। देखो मेरे नाम पे दिलनशीन लिखा है। फॉर यू हमजा, मैं ये नहीं दे सकती। जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे वापस आने का काउंटडाउन शुरू करना। हमजा प्लीज नहीं, अगर अम्मी और भाई ने देख लिया तो। देखो बहुत अच्छी है, मगर मैं ये नहीं दे सकती। अगर अम्मी और भाई ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। प्रॉब्लम है, कह देना कि मामा ने दी है। ठीक है, क्या हुआ है, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे पूरा जैकपॉट लगा है। क्या मतलब? आप लोग सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, बताएं ना क्या हुआ है। सारा भाभी आई थी अपनी अम्मी के साथ। अच्छा, तो जैकपॉट की रकम वो दोनों साथ लेकर आए थे? तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई। किसका? मेरा। जाहिर है तुम्हारा। क्यों? हम भी ना इतने ही शौक रह गए थे, कहाँ वो लोग कहाँ हम लोग, इतने पढ़े लिखे, इतने खानदानी, इतने अमीर लोग। मेरी तो मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी, मैंने बड़ी कोशिश भी की। वो इतनी अच्छी हैं, वो क्या नाम बुशरा, अफशी की शादी में मेरे साथ ही बैठी रही, अपने बेटे की बातें करती रही कि बहुत मसरूफ रहता है। फिर उपटन वाले दिन मैंने उनके बेटे को भी देखा था, बड़ा अच्छा बच्चा लग रहा था। हमारी तो किस्मत खुल गई जो ये रिश्ता हमारे घर आ गया। घबराने की बात बिल्कुल नहीं, ये आफिया जानती है ना उन्हें, आखिर सारा की कितनी तारीफें करती है। नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ तो अपने घर से कर लेना पढ़ाई, आखिरी सेमेस्टर है ना, हुआ हुआ ना हुआ ना हुआ क्या फर्क पड़ता है। बस भाई शादी करो, अपना घर बसाओ। लेकिन मैं भी पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम कौन सा PhD कर रही हो कि मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दूँ। बस कह दिया मैंने। अच्छा अच्छा अम्मी, इसे सोचने का थोड़ा सा वक्त तो दें, तुम अच्छी तरह आराम से सोचो। लेकिन दिलनशीन एक बात याद रखना कि हमारी तरफ से हाँ है, लड़का बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसे, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है और मेरा जो अपना ऑफिस है
वो उसकी कंपनी का बनाया हुआ है और ऐसे कई ऑफिसेज और जो घर हैं उसके हाथों के डिजाइन किए। मुझे नहीं करनी शादी, मैं अभी सोच ही नहीं सकती, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी तरफ से ना है। दिलशी बात तो सुनो, दिलशी कौन है? दिलशीन है। दिलशीन बोलो। हमजा मेरा रिश्ता आया है। क्या?